अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यू चैनल मैस्वे अब शाहर स्टूडेंस आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फाइव डी एक्सरसाइज फाइव डी के क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर फाइव तक आज के वीडियो में करेंगे अब ये जो एक्सरसाइज है ये टाइम से रिलेटेड एक्सरसाइज है इसमें टाइम का जिक्र होगा टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है मिनट को कैसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक्सरसाइज फाइव डी स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपको सबसे पहले बताना जरूरी है ठीक है अब आप देखें कि यहां पे बच्चों देख सकते हैं पेज नंबर 131 पे एक घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं ये आपने याद रखना है ठीक है ये तो आपको वैसे भी याद ही होगा उसके बाद आप देखें कि जो एक मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं तो एक घंटे में कितने हो होंगे आपने 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो थ्री थाउजेंड घंटे में होंगे ठीक है ये चीज क्लियर होगी उसके बाद जो टाइम है उसको बच्चों हम दो तरह से मैयर करते हैं ठीक है आप देख सकते हैं एक हमारा जो क्लॉक होता है ट्वेल्व आवर क्लॉक होता है जो नॉर्मल हम यूज करते हैं ठीक है उसमें क्या होता है कि डिजिट हमारे कैसे हम उसको यूज करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व उसके बाद फिर से वन से स्टार्ट हो जाता है मतलब आधी रात का जो टाइम मतलब बारह बजे का जो टाइम होता है उसे हम बारह से अगले दिन बारह बजे तक के टाइम को रात बारह बजे से अगले दिन बारह बजे के टाइम को हम एएम से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम शुरू होगा वो दोबारा बारह से फिर क्या हो जाएगा एक से शुरू हो जाएगा और वो पीएम इंक्लूड होगा ठीक है यानी दोपहर बारह बजे से लेकर रात बारह बजे तक टाइम जो है वो पीएम में शामिल होगा और रात बारह बजे से अगले दिन बारह बजे तक का जो टाइम है वो ए एम में शामिल होगा ठीक है अब इसमें जो है इस टाइम को हम कैसे शो करते हैं बहुत इजी तरीके से इसको शो कर सकते हैं फिगर में अब आप ये देखें पहले क्लॉक को देखें यहां पे आपको जो टाइम शो किया गया है फिगर में इसको हम लिखेंगे 2:25 और अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे ट्वेंटी फाइव मिनट्स पास्ट टू यानी दो बजकर पच्चीस मिनट तो ये ट्वेल्व आवर क्लॉक हो गया अब एक और क्लॉक होता है हमारा जो कि ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक होता है ठीक है उसमें हमने क्या करना होता है कि उसमें डिजिट जो है हमारे देखें ट्वेल्व रात ट्वेल्व से सुबह जो है नेक्स्ट डे ट्वेल्व तक वो ही डिजिट होंगे मतलब ट्वेल्व फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व लेकिन दोपहर ट्वेल्व से लेके ठीक है रात के ट्वेल्व तक तो डिजिट चेंज हो जाएंगे अब ट्वेल्व के बाद जो है वो वन स्टार्ट नहीं होगा थर्टीन होगा फिर फोर्टीन होगा फिर फिफ्टीन होगा सिक्सटीन होगा और इस तरह ट्वेंटी थ्री तक जाएगा ट्वेंटी थ्री अलेवन को कहेंगे ठीक है फिर उसके बाद जो है ट्वेंटी फोर नहीं कहेंगे ट्वेल्व को ठीक है दोबारा से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा अब आपको यहां पे क्लॉक में शो कर देती हूं यहां पे देखें ये वन टाइम शो किया गया है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्व आवर क्लॉक कहलाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्वेल्व है ठीक है अब इसमें जो है अब रात का अगर हम टाइम का जिक्र करें तो ये ट्वेल्व ही कहलाएगा 24 फोर आर क्लाक में रात बारह बजे से लेकर नेक्स्ट डे बारह बजे तक टाइम इसी तरह इंक्लूड होगा एक दो ठीक है इसी तरह शामिल होगा लेकिन बारह बजे के बाद जो टाइम थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इस तरह कैटेगरी में चला जाएगा यानी रात के जो ग्यारह बजे होंगे तो उस वक्त ट्वेंटी थ्री जो है वो टाइम को शो किया जाएगा ट्वेंटी फोर आवर क्लाक में तो ये आपको ट्वेंटी फोर आवर क्लाक के बारे में मैंने बता दिया आप एक्सरसाइज फाइव डी का स्टार्ट लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यही सारी चीजें यूज होंगी जो मैं आपको बता चुकी हूं पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स खाली जगह को फिल करना है क्वार्टर टू सेवन इन फिगर फिगर में आपने टाइम को लिखना है यानी क्वार्टर टू सेवन ठीक है इसका मतलब यह है कि छह बजकर पैंतालीस मिनट तो यहां पे हम लिखेंगे सिक्स फोर्टी फाइव यानी सात बजने में पंद्रह मिनट बाकी है नेक्स्ट में देखें सेवन फोर्टी फाइव पीएम इन ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक विल बी अब यहां पे ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक को आपने यूज करते हुए सेवन फोर्टी फाइव पीएम को रिप्रेजेंट करना है आपको आ, मैं बता दूं कि 745 24 फाइव ट्वेंटी फोर और में किसके इक्वल होता है 19 ठीक है और साथ में लिखेंगे 45 फाइव टेन द टाइम टेन मीन्स अर्लियर देन फोर फिफ्टीन फोर फिफ्टीन से दस मिनट पहले तो क्या होगा टाइम फोर जीरो फाइव हो जाएगा ठीक है फिफ्टीन में से आप टेन को माइनस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा डी में देखें क्वार्टर पास थ्री एज मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग टाइम को मैं आपको बता चुकी हूं उसमें हम ए एम को यूज करेंगे क्वार्टर पास थ्री ठीक है तो इसको हम लिखेंगे थ्री फिफ्टीन ए एम थ्री ओ क्लॉक एज इवनिंग टाइम इवनिंग में हम पीएम को यूज करेंगे थ्री ओ क्लॉक कहा गया है तो हम यहाँ पे थ्री लिख के ठीक है साथ में पीएम लिख देंगे नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपको कहा गया है स्टेट वेदर दर ट्रू और फॉल्स टू फॉल्स आपने बताने हैं फोर फिफ्टीन पी एम इन ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक विल बी यानी चार बज के पंद्रह मिनट ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में किस तरह लिखे जाएंगे सिक्सटीन ठीक है फिफ्टीन तो बिल्कुल सही है चार जो है हमारे सिक्सटीन के ही इक्वल होता है ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में आपने बच्चों वो क्लॉक जो मैंने आपको ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक टेबल समझाया है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है तो स्टेटमेंट ठीक है इसको हम टी लिख लेते हैं बी में देखे सिक्स ट्वेंटी फाइव आवर्स इन ट्वेल्व आवर क्लॉक विल बी एटीन ट्वेंटी फाइव ए एम अब वो कह रहे हैं छह बजकर पच्चीस मिनट ये जो टाइम है बारह ट्वेल्व आवर क्लॉक में क्या ये एटीन ट्वेंटी फाइव ए एम होगा तो एटीन ट्वेंटी फाइव जो है बच्चों ये देखें एटीन वाली जो कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी जो है ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में आती है ट्वेल्व आवर क्लॉक में नहीं आती तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो सी में देखें फोर आर थर्टी फाइव मिनट इज इक्वल टू टू सेवेंटी फाइव मिनट वो कह रहे हैं कि चार घंटे और पैंतीस मिनट किसके इक्वल है टू सेवेंटी फाइव मिनट के इक्वल है तो पहले जो चार घंटे हैं, उनको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे फोर को सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका टू फोर्टी मैं आपको करके दिखा देती हूं फोर को हमने सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया तो टू फोर्टी बन गया अब उसमें हमने किस को एड करना है हमें मजीद क्या दिएगा थर्टी फाइव मिनट दिए गए अभी मिनट में आ चुका है तो अब इसमें थर्टी फाइव को एड कर देते हैं तो ये बनेगा टू सेवेंटी फाइव मिनट ठीक है तो अब हमें यही कहा जा रहा है कि फोर आर थर्टी फाइव मिनट इज इक्वल टू टू सेवेंटी फाइव मिनट तो बिल्कुल दुरुस्त है हमने करके भी देख लिया है तो ये हमारा आंसर ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टी लिख लेते हैं अब नेक्स्ट में देखे वन आर टेन मिनट फाइव सेकंड इज इक्वल टू अब इस सारे को बच्चों आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है फाइव सेकंड तो सेकंड में ये तो कन्वर्ट ही है लेकिन जो एक घंटा है पहले आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करें फिर टेन मिनट को कन्वर्ट करें एक घंटे कितने सेकंड्स के इक्वल होता है ये मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुकी हूं कितने के इक्वल होता है थ्री सेकंड के इक्वल होता है ठीक है उसके बाद हमें फिर कहा गया है नेक्स्ट टेन मिनट टेन मिनट अब किसके इक्वल होते हैं टेन को आपने सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स हंड्रेड के इक्वल हो जाएंगे तो ये सिक्स हंड्रेड सेकंड हो गए हैं उसके बाद मजीद हमें कितने सेकेंड दिए गए हैं देख सकते हैं यहां पे मजीद आपको दिए गए हैं कितने सेकेंड फाइव सेकेंड और ये फाइव सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे और आप इनको एड करेंगे देखिए फाइव ऐसे आ जाएगा जीरो सिक्स में सिक्स को ऐड करेंगे ट्वेल्व वन आगे दे देंगे थ्री में वन को ऐड करेंगे फोर तो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव सेकंड बनेंगे तो इन्होंने क्या लिखे फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेकंड तो स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो गई नेक्स्ट में देखें द सम ऑफ थर्टीन आवर फोर्टी फाइव मिनट एंड टेन आवर टेन मिनट इज ट्वेंटी थ्री आवर फिफ्टी फाइव मिनट आपने इसको क्या करना है आप देख सकते हैं ओवर और मिंट दिए गए हैं तो ओवर लिख लें इस साइड पे मिंट लिख लें ये थर्टीन दिया गया है ठीक है थर्टीन के और यहाँ पे लिखेंगे फोर्टी फाइव और ये टेन दिया गया टेन लिखे और यहां पे टेन दिया गए ठीक है ये लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे फाइव में जीरो ऐड किया फाइव फोर में वन ऐड किया फाइव थ्री में जीरो ऐड किया थ्री वन में वन ऐड किया टू यानी कितना बना ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट तो वो भी यही कह रहे हैं के सम ऑफ यानी इन दोनों का सम जो है वो 23 थ्री आवर फिफ्टी मिनट के इक्वल है हमने भी करके देख लिया है तो यही आंसर आ रहा है तो स्टेटमेंट हमारी फिर ट्रू हो गई है क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा जाए सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन ऑप्शन से आपने सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को फर्स्ट पे कहा गया टू आवर्स ट्वेंटी मिनट इक्वल टू आपने इस टू आवर्स और ट्वेंटी मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहां पे सारे आंसर सेकंड्स में दिए गए हैं पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है हमें दिए गए टू आवर्स ट्वेंटी मिनट तो मैं यहाँ पे टू आवर ट्वेंटी मिनट लिख लेती हूं और इसको सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ टू आवर्स टू को मतलब सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और ट्वेंटी मिनट्स हम ऐसे ही लिखेंगे ठीक है पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये सिक्सटी को जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी ये मिनट में आ चुका है और ये भी हमारे मिनट में आ चुके हैं ठीक है ये मिनट है अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में इसको भी कन्वर्ट करेंगे अब 120 को मैं मल्टीप्लाई 60 के साथ करूंगी और इधर 20 को मल्टीप्लाई 60 के साथ करूंगी 120 को 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो 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 ठीक है सिक्स जीरो हजार जीरो सिक्स टू जार ट्वेल्व सिक्स वन हजार सिक्स और वन ऐड करेंगे सेवन तो जीरो जीरो टू सेवन ये आ चुका है तो उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड आ जाएगा तो ये आंसर हमारा जो टोटल totally इन दोनों को ऐड करके बनेगा 7200 में हमने 1200 को ऐड करना है जीरो जीरो टू और टू को ऐड करेंगे फोर सेवन में वन को ऐड करेंगे एट एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड बनेगा यहां पे देखें ऑप्शन ए बी और सी में हमें एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकंड नजर आ रहे हैं हम सी को टिक लगा लेते हैं या सर्कल कर लेते हैं नेक्स्ट में आर कारपेंटर स्टार्ट हिज वर्क एट 8:30 थर्टी एम एंड वर्क टिल 1:30 थर्टी पी एम एक कारपेंटर है जो कि सुबह आठ बज के तीस मिनट पे काम अपना शुरू करता है और एक बज के तीस मिनट तक ठीक है काम करता रहता है उसने कितने घंटे काम किया इसके लिए बच्चों आप क्लॉक बना लें क्लॉक को देख लें मैं आपके सामने शो कर देती हूँ देखिये यहाँ पे आपके सामने क्लॉक शो किया गया है अब उसने आठ बज के तीस मिनट पे काम शुरू किया है ठीक है आपको पीछे यही कहा गया है कि आठ बज के तीस मिनट पे उसने काम शुरू किया और एक बज के तीस मिनट पे उसने खत्म किया है अब यहाँ पे देखें ये देखें ये आठ है ठीक है यहां से हम काउंट करेंगे एक तीस तक काउंट करेंगे देखे एक दो तीन चार पांच पांच घंटे टोटल बन रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन पे पांच घंटे दिया गया है ए पे हमें फाइव आवर्स दिया गया है तो हम ए को टिक लगा लेंगे सी में देखें फोर्टी फाइव मिनट फोर्टी फाइव सेकंड कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स सेकेंड अब ये तो सेकंड्स में ही है ठीक है इस 45 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 45 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 45 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है फाइव जीरो हजार जीरो फोर जीरो हजार जीरो सिक्स फाइव हजार थर्टी थ्री इसको देंगे सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर और थ्री ऐड करेंगे ट्वेंटी 27, सेवन तो टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे किसको ऐड करेंगे फोर्टी फाइव सेकेंड को तो ये यहाँ पे मैं फोर्टी फाइव को ऐड करूंगी फाइव फोर सेवन टू यानी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव सेकंड टोटल आंसर बनेगा तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आंसर ये डी पे दिए गए टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव सेकंड तो डी को टेक लगा लेते हैं डी में देखें फाइव इयर्स टेन मंथ्स आर इक्वल टू अब बच्चों आपको पता है कि एक साल में बारह महीने होते हैं तो पांच सालों में पहले हम देखते हैं कितने महीने होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे फाइव को ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटी और उसमें टेन मंथ को ऐड करेंगे सिक्सटी में टेन को ऐड करेंगे तो सेवनटी मंथ बन जाएंगे टोटल ठीक है तो अब यहां पे देखे सेवनटी कहाँ पे दिया गया ये बी पे दिया गया तो इसको टिक लगा लेते हैं ई में देखें इफ ट्वेल्व वीक्स फाइव डेज कन्वर्टेड इन टू डेज ट्वेल्व वीक्स दिए गए हैं फाइव डेज इनको डेज में कन्वर्ट करना है डेज ये वाले तो कन्वर्ट ही हैं, लेकिन ट्वेल्व वीक्स वालों को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेज में आपको पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सात आपने क्या करना है ट्वेल्व को सेवन से मल्टीप्लाई करना है तो एटी फोर आ जाएगा साथ में आपको फाइव डेज सात में दिए गए हैं तो इस फाइव को इसमें एड करेंगे तो नाइन और यहाँ पे एट तो टोटल डेज कितने बन जाएंगे एटी नाइन डेज तो यहाँ पे हम देखते हैं कहां पे 89 डेज लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सी को टिक लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स ये आपको क्लॉक दिए गए इनमें जो टाइम शो किए गए इनको आपने वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर में भी लिखना है पहले आप देखे आप फिगर में इसको कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं कि एक बजकर पैंतीस मिनट हो रहे हैं तो फिगर में हम इसको 135 ऐसे लिख देंगे वर्ड्स में हम इसको कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं एक बजकर पैंतीस मिनट है तो आप लिखेंगे थर्टी फाइव मिंट पास्ट वन ठीक है यह आप लिख देंगे इसी तरह यह जो है आपको फिगर में आप इसको थ्री फोर्टी फाइव लिख देंगे और वर्ड्स में आप इसको क्या लिख देंगे फोर्टी फाइव मिनट पास्ट थ्री लिख देंगे ठीक है तो यहां पे मैं लिख देती हूं फोर्टी फाइव मिंट पास्ट थ्री अब यहां पे जो आपको शो किया गया सी में इसमें अब आप, आप देख सकते हैं कि टाइम जो है फिगर में हम क्या लिखेंगे सिक्स फिफ्टी ठीक है और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं फिफ्टी मिनट हो चुके हैं छह बजकर पचास मिनट हो चुके हैं तो आप लिखेंगे फिफ्टी मिनट्स पास्ट सिक्स यानि छह बजकर पचास मिनट हो चुके हैं अब यहां पे जो है फिगर में हम इसको कैसे लिखेंगे देखें फोर फिफ्टी है फोर फिफ्टी लिख देंगे और वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे हम अब ये बल्कि थोड़ा सा फिफ्टी से ना थोड़ा टाइम आगे बन रहा है हम इसको थ्री काउंट कर लेते हैं ठीक है फोर फिफ्टी थ्री काउंट कर लेते हैं और अब यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे फिफ्टी थ्री पास्ट फोर ठीक है अब इसको आप कैसे लिखेंगे आप देखें ये वन है और टाइम वन हो रहा है उसके बाद मिनट्स जो है वो ट्वेंटी फाइव से थोड़ा सा पीछे है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव लिख लें या वन ट्वेंटी फोर लिख लें तो मैं वन ट्वेंटी फोर लिख देती हूं यहां पे और यहां पे फिर इसको फिगर में ये लिख चुकी हूं वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे ट्वेंटी फोर मिंट पास्ट वन ठीक है अब नेक्स्ट में देखें नेक्स्ट क्लॉक में क्या कहा गया है इसमें देखे आपको जो टाइम फिगर में नजर आ रहा है वन थर्टी नजर आ रहा है यहां पे लिखेंगे वन थर्टी और वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे हाफ पास्ट वन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं व्हाट टाइम डू दीज डिजिटल क्लॉक शो आपको ये क्लॉक क्या टाइम शो कर रहे हैं आपने ये आंसर वर्ड्स में देना है ठीक है अब देखिये वन सेवनटीन बहुत सिंपल सा आपने क्या लिखना है सेवनटीन मिंट्स पास्ट वन अब यहां पे देखें फोर फोर्टी फोर्टी मिनट्स पास्ट फोर अब यहां नाइन थर्टी एट तो आप लिखेंगे थर्टी एट मिनट्स पास्ट नाइन बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यूज